हेलो एवरीवन, तो आज से हम स्टार्ट करें हमारे गायनेकोलॉजिकल टॉपिक से, स्टार्टिंग विद द डायलेटेशन एंड क्यूरेट DNC। आपको कहाँ से शुरू करना है, यहाँ से ये सब नहीं लिखना कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर। नो, इसे कोई नीड नहीं है। आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, इन दिस प्रोसीजर डायलेटेशन ऑफ द सर्वाइकल कैनाल फॉलोड बाय द यूटराइन क्यूरेट इज डन टू रिमूव द एंडोमेट्रियम विद द शार्प और ब्लंट क्यूरेट। ओके, in this procedure dilatation of cervical canal followed by uterine curette is done to remove the endometrium with a sharp or blunt curette. Okay, indication mein yahan pe 3 box bane hue hain, diagnostic, therapeutic and combined. theek hai, to aap char cheeze yaad kar lo sab mein. sabse pehle diagnostic mein infertility DUB, dysfunctional uterine bleeding. third is pathological amenorrhea. fourth is एंडोमीट्रियल ट्यूबरक्लोसिस याद करो तो नीचे उसके हैं एंडोमीट्रियल कार्सिनोमा, आप वो भी लिख सकते हो. ठीक है, ज़्यादा लिखना है तो पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग एंड कोरियोनियो एपिथीलियोमा लिख सकते हो आप, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको एग्जाम में बस पास करना है. ठीक है, थेरेपिटिक में DUB अगेन है, एंडोमीट्रियल पॉलिप हो गया, रिमूवल ऑफ IUD हो गया. IUD की रिमूवल के लिए हम यूज़ करते हैं DNC एंड इनकम्प्लीट एबॉर्शन के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, कंबाइंड में वही है DUB एंड एंडोमीट्रियल पॉलिप है. ओके, नाउ प्रोसीजर में जो मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनना उसे. ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लिखने के लिए अच्छी हैं बट याद कैसे करना है उसे. ठीक है, सबसे पहले आपके पास पेशेंट आएगा, आप उससे पूछोगे, आप उसे क्या बोलोगे, एम्प्टी द ब्लैडर. ब्लैडर को क्या करो, एम्प्टी करो. सेकेंड इज, पेशेंट को क्या करोगे आप, जनरल एनेस्थीशिया दोगे. ठीक है, और अंडर डाइजीपाम सेडेशन करो, मतलब सेडेशन दे सकते हो विद और विदाउट पैरा सर्वाइकल ब्लॉक. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, पेशेंट इज़ टू एम्प्टी द ब्लैडर. एम्प्टी द ब्लैडर आपके दिमाग में याद करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, एम्प्टी द ब्लैडर. सेकेंड इज, द ऑपरेशन इज डन अंडर जनरल एनेस्थीशिया. बस इतना याद रखो, सबसे पहले क्या है, एम्प्टी द ब्लैडर. सेकेंड इज जनरल एनेस्थीशिया. थर्ड इज, शी इज़ प्लेस इन लिथोटोमिक पोजिशन. शी इज़ प्लेस इन ऑल, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप याद करने वाली चीज़, पॉइंट वाली चीज़ें क्या है, एम्प्टी द ब्लैडर फर्स्ट, सेकेंड इज जनरल एनेस्थीशिया, थर्ड इज लिथोटोमिक पोजिशन ऑफ द पेशेंट, फोर्थ इज लोकल एंटीसेप्टिक क्लीनिंग एंड ड्रैपिंग डन. ठीक है, लोकल एंटीसेप्टिक क्लीनिंग इज ओवर, इतना काफ़ी है. ठीक है, एम्प्टी द स्टमक के लिए बोल दिया, जनरल एनेस्थीशिया दे दिया. सेकेंड, थर्ड इज लिथोटोमिक पोजीशन में आपके सामने पेशेंट है, नाउ आप क्या करोगे, लोकल एंटीसेप्टिक क्लीनिंग करोगे. एंड फोर्थ इज बायोमैनुअल एग्जामिनेशन इज परफॉर्म. बायोमैनुअल एग्जामिनेशन परफॉर्म करोगे, आप देखोगे प्रॉपर कि ऐसा तो नहीं है कि उसे फंगल इन्फेक्शन या फिर कुछ और तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आप रूल आउट करोगे. ठीक है, इसके लिए सीधा वर्ड है बायोमैनुअल एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे. ठीक है, अब नाउ, ठीक है, हमने सब कुछ देख लिया, नॉर्मल है. अब हम क्या करेंगे, पोस्टीरियर वेजाइनल स्पेक्युलम इज इंट्रोड्यूस, जिसे हम बोलते हैं सिम्स स्पेक्युलम. ठीक है, वो इंट्रोड्यूस करेंगे, पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल जो कि रिट्रैक्ट हो गए. अब नाउ, एंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स इज हेल्ड विद द एलिस टिश्यू फॉर्सेप्स. ठीक है, एलिस टिश्यू फॉर्सेप्स से आप एंटीरियर लिप ऑफ पेल्विक जो है उसे रिट्रैक्ट करोगे. नाउ थर्ड इज, आपको अब हमारा सर्विक्स जो है प्रॉपर दिख रहा है. ठीक है, यूट्रस भी प्रॉपर दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, यूट्राइन साउंड इंट्रोड्यूस करोगे टू कन्फर्म द पोजीशन एंड टू नोट द लेंथ ऑफ यूट्राइन कैविटी. हम सभी को पता है कि जो यूट्राइन साउंड होता है वो हम जो यूट्रस की कैविटी होती है उसको मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं. ऐसा नहीं है कि उसको यूट्रस में इंट्रोड्यूस करेंगे तो कोई साउंड आ गया, ऐसा नहीं है. ठीक है, वो यूट्राइन साउंड जो होते हैं बेसिकली उसमें मेजरमेंट होती है यूट्रस की पोजीशन क्या है और किस पोजीशन में है, एंड सेकेंड इज कि उसकी लेंथ कितनी है वो कंफर्म करने के लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, हमने यूट्रस की लेंथ भी ले ली. अब नाउ, सर्वाइकल कैनाल इज डायलेटेड विद ग्रेजुएटेड डायलेटर. हम डायलेटर से हम क्या करेंगे, सर्वाइकल कैनाल जो होगी उसे और डायलेट करेंगे. और डायलेट की बात मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यूट्राइन साउंड जो होता है ना इज़ ऑल्सो एक्ट एज अ फर्स्ट डायलेटर. ठीक है, एक फर्स्ट डायलेटर की तरह वो एक्ट करता है. अब नाउ, सर्वाइकल कैनाल में हम प्रॉपरली उसे डायलेट करेंगे विद द यूजिंग डायलेटर. नाउ डायलेट हो गया, व्हेन द डायलेटर इज इंट्रोड्यूस्ड द सर्विक्स इज मेड टू स्टेड बाय ट्रैक्शन ऑफ द वल्सलम. ठीक है, आपको प्रॉपर से सर्विक्स जो है नॉर्मल जैसे रहते हैं उसे वैसे करना है. अब नाउ,
यूट्राइन कैविटी इज क्यूरेटेड बाय एन यूट्राइन क्यूरेट आइदर इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द फंडस डाउन टू इंटरनल ओस। ठीक है, फंडस से स्टार्ट करना है आपको, जो हमारी यूट्रस के ऊपर फंडस होता है, ठीक है, फंडस से स्टार्ट करना है आपको आइदर क्लॉकवाइज और आइदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको क्यूरेट करना है। ठीक है, फ्रॉम फंडस डाउन टू इंटरनल ओस तक, ठीक है, पूरा उसे जो एंडोमीट्रियम है उसे पूरी तरह खरोच लेना, मतलब क्यूरेट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये प्रोसीजर जो है कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके आगे जो बताऊँगी वो आप लिख भी सकते हो नहीं भी। इन बेनाइन लीजन शार्प क्यूरेट जो हम यूज़ करते हैं, और मेलिग्नेंसी में क्या करते हैं, ब्लंट क्यूरेट यूज़ करते हैं, वलसेलम स्पेक्युलम। अब नाउ फाइनल स्टेप क्या होगा, जो वलसेलम होगा और स्पेक्युलम जो होगा उसे हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, द क्यूरेट मटेरियल को प्रिजर्व करेंगे इन 10% फॉर्मल सलाइन, मतलब नॉर्मल सलाइन, इन सस्पेक्टेड ट्यूबिकुलर एंडोमेट्राइटिस। ठीक है, उसे लेबल कर देंगे प्रॉपरली एंड सेंड करेंगे हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, तो हाँ, अब नाउ कॉम्प्लिकेशन इसमें क्या होती है, इंजरी टू द सर्विक्स, सर्विक्स को इंजरी हो सकती है, सर्वाइकल परफोरेशन हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा तेज़ की आपने कर दी तो पता चला कि उसमें परफ्यूजन हो गया, परफोरेशन हो गई, सॉरी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है इंजरी टू द गट भी हो सकती है, और इन्फेक्शन, ये कॉमन है हमारे DNC में। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशंस आती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।